पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के लाइनपार रामलीला ग्राउंड में लगने वाले ऐतिहासिक दशहरे मेले की तैयारियों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल ने लाइनपार रामलीला ग्राउंड में पहुंचकर सर्वप्रथम रामलीला ग्राउंड में चल रही रामलीला में दीप प्रज्वलित कर आरती की और उसके बाद रामलीला मैदान का भ्रमण किया। दशहरे मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामलीला ग्राउंड के भ्रमण के कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज यहां आने का दो उद्देश्य थे। एक तो नवरात्रि का आज सप्तमी दिन है तो रामलीला देखने का उद्देश्य था। दूसरा, यहाँ आकर हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का भ्रमण किया है, खासकर दशहरे के दिन जो यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ज़्यादातर अधिकारी वही लोग हैं जो पिछले साल दशहरे के दौरान थे। तो जो व्यवस्थाएं की जानी हैं, चाहे बैरिकेडिंग की हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, उसी एंगल से हम लोगों ने भ्रमण करके व्यवस्थाओं को जाना है। देखिए, आज यहाँ आने का दो उद्देश्य था। एक तो आज नवरात्रि का सप्तमी का दिन है तो रामलीला देखने का उद्देश्य था। दूसरे, यहाँ आकर यहाँ की व्यवस्थाओं का हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण किया। यहाँ के जो खासकर दशहरे के दिन, रावण वध के दिन जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ज़्यादातर अधिकारी वही लोग हैं जो पिछले साल दशहरे के दौरान थे। तो हम लोग जो जो व्यवस्थाएँ की जानी है, चाहे बैरिकेडिंग की हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, उन सब एंगल से हम लोगों ने भ्रमण करके देखा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विगत वर्षों की तुलना में और बेहतर हम लोग व्यवस्था कर सकें। और इस पर रामलीला कमेटी के लोगों का भी हम लोगों को लगातार सहयोग है।